गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम फिफ्थ क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड के अंदर हमारे जो लेसन है वह कंप्लीट हो चुके थे, आज से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बेटा रिवीजन के अंदर हमें जो लेसन है वह लेसन फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन, ये दो लेसन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज हम फर्स्ट लेसन इस कम्प्लीट कर लेते हैं। वैसे ही अपने तीन लेसन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में दो ही लेसन आएंगे। हिंदी फर्स्ट के भी दो ही लेसन आएंगे और हिंदी सेकंड के भी दो लेसन आएंगे। तो हिंदी सेकंड का फर्स्ट लेसन बेटा हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है बेटा लेसन का हमारे? संज्ञा। संज्ञा जानते हो किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? हम उसे किस नाम से जानते हैं? हम उसे संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे प्राणी, प्राणी कौन है? मनुष्य हो सकता है, जानवर यानी कि हाथी है, स्त्री है, घोड़ा है, यानी कि ये सारे जो है वह क्या है? प्राणी है। वस्तु, वस्तु आ गया, कलम आ गई, मेज आ गई, आपकी कुर्सी आ गई, ये सारी चीज़ें क्या है? वस्तु है। स्थान, कोई भी स्थान का नाम आ सकता है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर इत्यादि। उसी प्रकार से भाव, भाव क्या होता है? हमारे मन के भाव। ये मिठाई, इस मिठाई में बहुत मिठास है, मुझे बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो इसमें मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके, लेकिन आपकी जो बुक है उस बुक में सिर्फ तीन ही प्रकारों के बारे में वर्णन किया गया है। बेटा जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे ना, तो हम विस्तारित रूप में और संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके मुख्य रूप से तीन ही प्रकार दे रखे हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली जो संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जहाँ पे बताया गया हो, किसी विशेष स्थान के बारे में जहाँ पे बताया गया हो, या किसी वस्तु, विशेष वस्तु के बारे में जहाँ पर बताया गया हो, वहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे उदयपुर झीलों की नगरी है, जलेबी बहुत मीठी है, ताजमहल आगरा में स्थित है, तो विशेष बात बताएगी ना। विशेष हम किसी को माध्यम बना के या किसी की तरफ ध्यान आकर्षित करके हम वो बात कह रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं या ऐसे जो वाक्य होते हैं वह कौन से में आएंगे? अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। क्लियर बेटा? दूसरा होता है हमारे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसमें समस्त जाति का बोध होता हो, एक का नाम लिया और उसमें समस्त लोगों के बारे में या संपूर्ण उसकी जाति के बारे में पता चल गया हो। जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का क्या है? लड़के की पूरी जाति का बोध हो गया वहाँ पे, पर्टिकुलर एक लड़के से यहाँ पे मतलब नहीं है। उसी प्रकार से मैंने बोला नदी, तो नदी मैंने पर्टिकुलर एक नदी का नाम नहीं लिया कि गंगा नदी, विंध्य या फिर जमुना नदी या सरस्वती नदी, मैंने क्या बोला है? नदी। तो नदी के अंदर सारी नदियों के नाम आ गए उसमें। पर्वत, तो पर्वत आ गया, पर्वत के अंदर सारे पर्वतों के नाम आ गए, हिमालय पर्वत का आ गया, विंध्याचल पर्वत का आ गया, इत्यादि समस्त पर्वतों का जहाँ पे नाम आ गया। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है? कि जिस संज्ञा शब्दों से हमें किसी का, किसका क्या, जिस संज्ञा सबसे किसी जाति के सभी प्राणियों और प्रदातों का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर बेटा? तीसरी तरफ चले, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें के अंदर मन के भावों का बोध होता हो या मन के भावों का पता चलता हो। जिस शब्द से किसी प्राणी या प्रदार्थ के भाव, उसके गुण और उसके स्वभाव का पता चलता हो, उसे क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन हो गया, मिठास हो गया, वीरता हो गई, तो इसमें मन के क्या हो रहे हैं? भाव उत्पन्न हो रहे हैं। या मैंने बताया ना आपको, मुझे आज बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, तो ये क्या है? मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो जहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं वह कौन सी संज्ञा कहलाएगी हमारे? वह हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। आ गया समझ में बेटा? खुशी, खुशी भी क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा, आज मैं मेरिट में आई तो मुझे बहुत अधिक खुशी हुई, तो इसमें क्या है? मन का भाव प्रकट हो रहा है।
तो ये क्या है, कौन सी संज्ञा आ जाएगी यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। ओके बेटा, आपकी कोर्स के अंदर इतना ही है, लेसन इज कम्प्लीट। एक बार इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आंसर में देखिए बेटा, सबसे पहले है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। संज्ञा की डेफिनेशन लिखी है, किसी व्यक्ति व्यक्ति स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसे संबंधित आपको उदाहरण कंप्लीट करना है, कोई भी दो उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे आपके संज्ञा का दे दिया आपने, स्टार्टिंग के अंदर आपको दे रखा है ना ऊपर ऊपर, प्राणी वस्तु स्थान, इनमें से एक एक का आप कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, तीनों भेदों के आपको नाम लिखने हैं और प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताने हैं। जातिवाचक संज्ञा के कोई भी दो उदाहरण बता देना, भाववाचक संज्ञा के मिठास खुशी इत्यादि जैसे दे रखे हैं ना, वैसे कोई भी दो दो एग्जाम्पल दे देना। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छाँट कर अलग अलग लिखना है। अब इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा छाँटनी है, जातिवाचक संज्ञा छाँटनी है और भाववाचक संज्ञा, तीनों को अलग अलग करना है। दो तीन मैं बता देती हूँ, बाकी आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, जैसे नाम आ जाएगा आपके इसमें, जो रमेश है, नरेश है, आपके दिल्ली है, ये सारे क्या है, नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा जिसमें समस्त जाति का बोध होता हो, अब जैसे इसमें लड़का है और भी बहुत सारे हैं, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में जिसमें मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, जैसे मिठास है, खुशी है इत्यादि, तो ये आपको अलग अलग से दो तीन मैंने बता दिए, बाकी और जो बचे हैं वो आप अपने मर्जी से छाट के लिख दीजिएगा। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर कोष्टक में लिखिए। अब इसमें कुछ शब्द दे, कुछ वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द कौन सा है वो आपको छाट के लिखना है। कर लेंगे, जैसे शेर जंगल का राजा कहलाता है, अब इसमें से क्या है, शेर जो है वह एक संज्ञा है। उसी प्रकार से सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, यह राजवीर का घर है, यहाँ पर यह आ जाएगा राजवीर व्यक्ति का नाम आ जाएगा, है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। इस गन्ने में अधिक मिठास है, तो मिठास क्या है, मन का भाव है ना, मिठास है, मीठी मीठी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। क्रोध से अशांति बढ़ती है, यहाँ पर भी कौन सी आ जाएगी, भाववाचक आ जाएगी ना, क्रोध, क्रोध क्या है, मन का भाव है ना, तो ये इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। आगे है, निम्न में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही छाटी है। अब इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, अलग अलग करनी है। जैसे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा नदी, पशु इत्यादि, उसी प्रकार से व्यक्तिवाचक में आ जाएगा राम, उदयपुर इत्यादि। क्लियर, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। जैसे चिल्लाना का क्या हो जाएगा, चिल्लाहट, अंकुलाना का अंकुलाहट, उकताना का उकसाहट, बोखलाना का बोखलाहट, बड़बड़ाना का बड़बड़ाहट, गुर्राना का गुरगुराहट, खुजलाना का खुजखुजाहट, गिड़गड़ाना का गिड़गड़ाहट, इस तरह से आपको आहट लगा के नया शब्द बनाना है। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में तरफ चलते हैं, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। अब ये संज्ञा शब्द आपको चार दे रखे हैं, इसके अंदर आपको कोई भी इनको जोड़ते हुए कोई भी वाक्य बनाना है। जैसे विद्यालय से संबंधित, हम विद्यालय जाते हैं, मैं विद्यालय गया, यानी विद्यालय शब्द आना चाहिए। उसी तरह से पेड़, हमें पेड़ लगाने चाहिए, पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, राम, राम बाजार गया है, इससे संबंधित आप अपनी मर्जी से कौन सा भी वाक्य बना लेना। आगे चलते हैं, इसमें बेटा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहला है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जवानी। दूसरा है निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी आ जाएगी, पुस्तक आ जाएगी। तीसरा है आपके और टैन वाला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है व्यक्ति विशेष, व्यक्ति स्थान या वस्तु का। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीट। फर्स्ट लेसन का दोहरान जो है, रिविजन है, वह हमारे कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जल्दी से ही इस लेसन को कम्प्लीट करना है और इसको याद करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।